जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। ज्ञान निरंतर जान्य रूप परिणमित हो रहा है। जान्य रूप परिणमित होकर भी जो ज्ञान सत्ता स्वरूप टिककर रहता है, यह सत्ता स्वरूप ज्ञान ही मेरी पहचान है। जानन धारा में ध्रुव का दर्शन होना यही सम्यक दर्शन है। यही समस्त दर्शनों का सार है। जिस समय उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, ज्ञान ज्ञायक को जान्य रूप परिणमित तो होता है। कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में अभेद होकर द्रव्य में मिल गई। पर्याय द्रव्य रूप परिणमित तो हो गई, मगर पर्याय द्रव्य रूप परिणमित तो हो जाती तो ये पर्याय द्रव्य रूप परिणमित तो हुई है, यह जानता कौन? क्योंकि जानने वाली भी तो पर्याय है। जानने वाला ध्रुव नहीं है, जानने वाली भी अवस्था है।
जानने वाली अवस्था से न्यारा, जो ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा है, यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। ज्ञान जानने रूप परिणमित तो होता है। त्रिकाल ध्रुव सत्ता जानने रूप परिणमित नहीं होती। तो जो ज्ञान ज्ञायक को जानने रूप परिणमित तो होता है, जो ज्ञान ज्ञायक को जानने रूप परिणमित होता है, वह तो परिणाम है। तो मात्र जानने रूप परिणमित होना और ज्ञायक रूप परिणमित होना, इन दोनों में अंतर है। ज्ञान की गहराई में जाकर यह अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति का राज खुलता है। निर्विकल्प ध्यान के काल में ही यह पहचान होती है। परिणमन हुआ है पर्याय का। जो पर्याय परिणमित हुई है, वही अभेद होकर द्रव्य में, अभेद होकर द्रव्य में ढली है। जैसे नमक है, वह नमक पानी में मिलते ही नमक दिखाई नहीं देता, नमक पानी में घुल मिल जाता है। नमक पानी में मिल जाता है, यह भी कहने की बात है। वास्तव में नमक पानी में मिल नहीं गया, वहां पर भी नमक का अस्तित्व अलग से है, स्वतंत्र है। मगर जिस तरह से नमक का अस्तित्व पहले दिखाई देता था, उस प्रकार से अब नमक का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। पहले नमक को अलग से हाथ में पकड़ करके अनुभव कर सकते थे, पानी में घुलने के बाद में उस नमक को पकड़ करके उस प्रकार का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो जब ध्यान भगवान आत्मा में ढलता है, ध्यान भगवान आत्मा में परिणमित तो होता है, जैसे नमक पानी में मिल गया, ऐसे ही आत्मा का परिणाम आत्मा में समा गया, आत्मा का ध्यान आत्मा में समा गया। वहां ध्यान बचा नहीं, वहां ध्यान बचा नहीं और वहां ध्येय भी बचा नहीं। नमक जब अलग था, तब नमक का अस्तित्व था, अब नमक न बचा। नमक तो नहीं बचा, मगर वह पानी भी नहीं बचा, क्योंकि पहले वह पानी था, नमक उसमें घुल गया, मिल गया, फिर वह पानी भी नहीं बचा। कहने का अर्थ यह है कि पानी में नमक मिलने पर वहां जो अभेदता है, ऐसे ही निर्विकल्प ध्यान में जो तत्व विचार से प्रयोग करता है, उसे यह रहस्य समझ में आता है। पर्याय द्रव्य में जब ऐसी ढली और परिणमित हुई, तो मात्र पर्याय ही परिणमित हुई। यही तो है कि नमक पानी में मिल गया, तो नमक ही घुल मिल गया, न डिब्बा न चम्मच। और उस समय यह विकल्प भी नहीं आया, उस समय उस नमक का चम्मच के प्रति कोई प्रेम नहीं है कि मैं पानी में घुल मिल जाऊं तो फिर इस चम्मच का क्या होगा, या चम्मच को भी उस नमक के प्रति कोई विकल्प नहीं है कि यह नमक चला जाएगा तो मेरा चम्मच का क्या होगा। ऐसा ही स्वरूप है कि न डिब्बे को विकल्प है, न चम्मच को विकल्प है, न नमक को विकल्प है, और फिर भी नमक पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। ऐसे ही जो उपयोग भगवान आत्मा में मिल जाता है, उस समय विकल्प की चम्मच, उस समय ये पांचों इंद्रियों के परमाणुओं का ये डिब्बा, ये पड़ा तो रहता है, मगर जो उपयोग अंतर में ढल जाता है, वह उपयोग विकल्प को लेकर के अंदर नहीं जाता है। और विकल्प को लेकर के नहीं जाता है, इसी से ही रहस्य खुलता है कि विकल्प से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि विकल्प वहां बाहर था।
विकल बाहर था, जैसे तुम चश्मे बाहर कमरे में छोड़ करके आ गए, कमरे से बाहर छोड़ करके आ गए और कमरे में बैठ करके तुमने एक हीरे को देखा, तो वो क्या भ्रम दूर हो गया कि अरे चश्मा काम की चीज है, क्योंकि बिना चश्मे के मैं देखूं कैसे। उसका प्रमाण तुम्हें मिल गया कि चश्मा तो बाहर पड़ा है और तुमने हीरे को देख लिया है, अब चश्मे की असारता समझ में आएगी। ऐसे ही जो राग और द्वेष के भाव है, ऐसे ही जो विकल्प है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसे जो विकल्प है, ये विचार है, वे विचार भी बाहर छुप जाते हैं। ये विचार चश्मे हैं, उससे भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। भगवान आत्मा जानने में आता है शुद्ध निर्मल ज्ञान से। भगवान आत्मा तरंगों से जानने में नहीं आता, भगवान आत्मा जानने में आता है सहज धारा से। भगवान आत्मा जड़ विकल्पों से जानने में नहीं आता, भगवान आत्मा जानने में आता है चेतना की अवस्था में। और वही चेतना जब अंदर में ढली और साक्षात भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुई, उसी का नाम रोम रोम में रोमांच है, उसी का नाम देहाती दशा है। आज मुनिवर राम सिंह उस गहरी दशा तक हमें लेकर जाते हैं इस नमक के दृष्टांत से। ये समझाने के लिए ये दृष्टांत है, मगर इस दृष्टांत में जो भाव छुपा है वह भाव सुपात्र जीव यदि साथ में रह करके यात्रा करे तो वह देह को कमरे से बाहर देखेगा, कमरे से बाहर देखेगा, इतना भी उसके पास में अवकाश न रहेगा। यही चैतन्य की मस्ती है। जब तू हीरे को देखता है उस समय तुझे चश्मा तो कमरे से बाहर है इतना भी भाव नहीं आता, क्योंकि उस समय हीरे का दर्शन हो रहा है और वह दर्शन ऐसा है कि चश्मे की याद खो जाती है। ऐसा ही है कि जब दृष्टि दृष्टा को देखती है तब ये इंद्रियों का जो आवरण है, ये आवरण, ये विकल्पों का जो आवरण है, ये सब बाहर छूट जाता है। बाहर छूट जाते हैं जो विकल्प, उन विकल्पों में अब न राग भी रहता है न द्वेष भी रहता है, कोई भाव नहीं। इसलिए भगवान, क्योंकि वहां पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता कि वहां पर बाहर क्या हो रहा है, वहां पर चश्मे कहां पड़े पता नहीं, और चश्मे फूट जाए तो, चश्मे को कोई छीन करके ले जाए तो कुछ नहीं होगा। यही दशा अज्ञानियों की समझ में नहीं आती, ये अच्छे अच्छे साधु संतों की समझ में नहीं आती। ये दशा अत्यंत दुर्लभ है। ये जो चश्मे कमरे से बाहर रखे हैं, वो चश्मे गिर गए, फूट गए, ये चश्मे कोई चोर चोरी करके ले गया, छिन गया, लूट गया, मगर उस व्यक्ति को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आंख से वह हीरे को स्पष्ट देख रहा है। इतना तन्मय होकर के वो हीरे को देख रहा है कि विकल्प ही नहीं आता है। ये दशा थी मुनि की। हमने जो मुनिराजों का स्वरूप सुना है, पढ़ा है कि वे ध्यान में लीन है और जंगल के जानवर आकर के उनके शरीर को खा जाते हैं, सांप डस जाता है, छियाली पैर खा जाती है, व्याघ्री पूरा शरीर खा जाती है, ये जो शास्त्र के दृष्टांत हमने ये पढ़े हैं, ये सुने हैं, हमें अहोभाव आता है कि शरीर को छीन ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं ये जानवर। उन मुनिराजों को क्या होता होगा, मुनिराजों को पता भी नहीं है कि वहां पर कोई चश्मे लेकर के गया या तोड़ दिया चश्मे को। और दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि हीरा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ज्ञान से ये न्यायक देव, ये चैतन्य दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रकृति से कुछ भी मांगता नहीं है। इसे कहते हैं देह का एकत्व टूट जाना। देह के साथ में रह करके वह चैतन्य 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 हीरे को नहीं देखता। यही ध्यान की गहराई में आज हमें उतरना है। मुनिवर राम सिंह द्वारा रचित इस दोहे को आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर उस नमक के दृष्टांत से अभेद होने के सूक्ष्म भाव को आज हम समझते हैं। दोहा है,
176वां। जिम लोणु विलि जई पाणी अहम तिम जई चित्तु विलि ज समरसे हुवई जीवड़ा काईम समाहि करी ज। जैसे लवण पानी में विलीन हो जाता है वैसे चित्त चैतन्य में विलीन होने पर जीव समरसी हो जाता है। समाधि में इसके सिवाय और क्या करना है? अंदर पानी में जो लवण मिल गया, हमने जो ये पढ़ा है, हम जो मुनिराजों के बारे में शास्त्रों में जो सुनते हैं पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमारी कल्पना है। ये समझ में नहीं आ सकता उस जीव को जो पढ़ता है। ये दशा समझ में उसी को ही आती है जो वहां डुबकी लगाता है। मगर खास बात यह है कि जो डुबकी लगाता है वो खबर देने बाहर आता भी नहीं है, इसलिए यह राज राज ही रह जाता है। यह राज अनुभव तक ही सीमित रह जाता है, वो आया ही नहीं है। कितनी भी कल्पना करो, समझने का प्रयास करो, मगर हो नहीं सकता। मैं अभी थोड़े दिन पहले बेलफास्ट में था। बेलफास्ट में वहां पर जो टाइटैनिक जहाज जो डूब गया, वह टाइटैनिक जहाज बेलफास्ट में बना था। उसका मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हुआ था, उस फैक्ट्री में जहां पर वो बना था जहाज, उस जगह पर मैं गया था। वहां पर सब बताया जा रहा है कि जहाज कैसे बना था, कैसे डूबा और डूबते समय क्या हुआ, उसमें जो यात्रा करने वाले यात्री थे कैसे डूब गए और उसका वर्णन किया, उनका दर्द कैसा था, उनकी तड़प कैसी थी। ये जो कुछ भी बताया गया है मैं सब सुनता था, वो समझा रहे थे मैं सुनता था, मगर मुझे सब ये हंसी आ रही थी। इसलिए क्योंकि जो डूब गया है वह खबर देने आया ही नहीं है कि क्या होता है उस समय, और जो खबर दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि डूबना क्या होता है। यही हाल है। अज्ञानी प्रवचन देते हैं भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, मगर उनकी डुबकी लगी नहीं है, और जिनकी डुबकी लगी है वह खबर देने आते नहीं है। सिर्फ इतना, बस जा तू जा करके देख क्या हो रहा है। वह गया देखने, वापिस ना आया, दूसरे को भेजा कि जा, वो वापिस क्यों नहीं आया, तू जा वहां क्या हो रहा है, वह भी वापिस नहीं आया। तीसरे को कहा कि जा, वो वापिस क्यों नहीं आया, तीसरा भी वापिस नहीं आया। बस इसी का नाम ज्ञानी से ज्ञानी की परंपरा है। एक अंदर में गया और बाहर न आया, दूसरा गया उनके पास, वह भी अंदर गया और बाहर न आया। ऐसे ही परंपरा से अनंत ज्ञानी की परंपरा चलती है। उन ज्ञानियों की परंपरा का इस देह के परमाणुओं से क्या नाता है? उपयोग का योग से क्या नाता है? चैतन्य का चमड़े से क्या नाता है? परमात्मा का परमाणुओं से क्या नाता है? जो परमात्मा का उपयोग अंदर ढला है ना, उसकी बात करो ना। आंख से हीरा दिखाई देता है ना, फिर ये दीवारों के गुणगान गाने की जरूरत क्या है? जब ज्ञान से ज्ञायक का हीरा दिखाई देता है, तब ये राख की बनी हुई दीवार जिसमें ईंट सीमेंट चूना पत्थर ये सब नहीं है, मगर जिसमें हड्डी है मांस है खून है पस है विष्ठा है मूत्र है, ऐसे ये राख की दीवार, उस दीवार की ओर ध्यान ही नहीं जाता। बस एक समय के लिए ऐसा अनुभव हो, एक समय, ज्यादा नहीं कहता,
एक सेकंड का असंख्यातवा भाग और इतने काल के लिए भी यदि ये बात उसके हृदय को छू जाए कि मैं ज्ञायक देव हूं, ये छू जाए और वह पर्याय अंतर में ढल गई, आनंद को भोग लिया, भोग लिया, भोग लिया। इसलिए जब ज्ञानी लिखते हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, वह वाणी अनुभूति को कह नहीं पाती है। इसलिए क्योंकि लिखने वाला हाथ है और अनुभव हुआ है आत्मा को, बोलने वाले ये शब्द है और अनुभव हुआ है आत्मा को, बोलने का भाव आया है विकल्प में, एक विचार आया, मगर अनुभूति उस विचार को नहीं होती, अनुभूति ध्यान को होती है। ध्यान और विचार में अंतर है। विचार से साधना शुरू होती है, ध्यान से साधना पूर्ण होती है। इसलिए चैतन्य तत्व विचार कहा, और इसलिए चैतन्य तत्व विचार से साधना का शुभारंभ कहा। ये जो आपको नित्य क्रम दिया गया है, ये साधना का मंगलमय मंगलाचरण यहां से ही होता है। जो ध्यान है वह ध्यान अंतिम चरण है, इसलिए तो कहते हैं शुक्ल ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान पा लिया, बस उसके बाद में अब करने को कुछ भी ना हुआ। अब जो भी पुरुषार्थ हो सकता था वह हो गया, अब अनंत चतुष्टय के धनी हुए। अब जो चार अघाती कर्म है उन्हें भी वे टालना नहीं है, वे तो जली हुई रस्सी की तरह है, अब उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ घटित नहीं होगा। इसलिए अरिहंत भगवान का अनंत पुरुषार्थ और सिद्ध भगवान के अनंत पुरुषार्थ में अंतर नहीं है। पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में अंतर नहीं है, एक सार। वह ध्यान जो है वह पूर्ण दशा है, वहां तक पहुंचे। तो जो शुरुआत में विचार से जो शुरुआत हुई थी वो विकल्पात्मक विचार थे। जब तुम चिंतन करते हो कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जब चिंतन करते हो तो वह जो चिंतन विकल्पात्मक चिंतन हो रहा है और वह चिंतन जो हो रहा है विकल्पात्मक हो रहा है, उसका जो कनेक्शन है ना, उसका कनेक्शन ज्ञायक के साथ में नहीं है। जब चिंतन चलता है मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, उसका कनेक्शन भगवान आत्मा के साथ में नहीं है, उसका कनेक्शन मैं भगवान आत्मा, सुनो थोड़ी गहराई गहराई से, गहराई से, गहराई से इस बात को सुनो। जैसे किसी जीव को 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, 3:45 पर उसके भीतर ये विचार चल रहा है। समझने के लिए ये दृष्टांत दे रहा हूं, 3:45 पर यह विचार चल रहा है, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, मैं निराकुल तत्व हूं, मेरे सर्वांग प्रदेश में ज्ञान है, ये ज्ञान का भरपूर ऐसा भगवान आत्मा मैं, ये चैतन्य ही मैं। ये जो विचार चल रहे हैं ना, उस विचार का संबंध भगवान आत्मा से नहीं है। जो 4 बजे अनुभव में आने वाला है उस भगवान आत्मा के साथ में 3:45 के विचार का संबंध नहीं है। 3:45 को जो विचार चल रहा है उसका संबंध है 3 बजे जो प्रवचन सुना था उसके साथ है। उसका कारण समझोगे तो आपको अनुभूति का न्यारा प्रैक्टिकल स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि जिस समय वो 3:45 पर जो चिंतन चल रहा है, वो चिंतन का आधार क्या है? वो चिंतन का आधार सुनी हुई वाणी। प्रयोग जो किया जा रहा है वो देशना के आधार पर किया जाता है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो थियोरी के आधार पर किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है वो थियोरी के आधार से होता है, थियोरी के आधार से उसका संबंध उसके साथ है, उसके साथ है, उसके साथ है। वह तो अलग दशा है,
कुछ गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी ऐसा कहते थे, वो जो हलवा बनाने की विधि बताते थे कि पहले क्या करना, कि पहले जो आटा है उस आटे को घी के अंदर डाल करके उसे सेकना, और उसके बाद में फिर गुड़ वगैरह जो कुछ भी डालना है वो बाद में डालना। ऐसा नहीं कि पहले पानी डाल दो और आटा डाल दो और फिर उसको गर्म कर दो, नहीं, पहले विधि बताते थे और उसके बाद में पहले क्रम पर ये, दूसरे क्रम पर ये, तीसरे क्रम पर ये। मैं जो अभी आपसे कहता हूं वो ध्यान से सुनो, पाक शास्त्र की किताब है, उस पाक शास्त्र की किताब में ये लिखा है, सब्जी कैसे बनती है। अब सब्जी बनाने के लिए पहले आप तेल डालो, उसके बाद आप जीरा डालो। अब ये लिखा हुआ है, तेल डालो जीरा डालो ये सब लिखा हुआ है। चाय बनाने की विधि, उसमें आप पहले पानी डालो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर उसे उबालो, ये लिखा है किताब में। और जब आप पानी लिया, पतीली में पानी डाला, ये जो क्रिया, ये दूसरे नंबर की बात हुई। और तीसरी बात ये है कि जब वो चाय बनी है और जीभ पर आई है, तीन बात हुई। पहली बात कि जो बुक में लिखा है, एक वह कि पहले पानी लो फिर उसमें पत्ती डालो, ये बात। दूसरी बात कि आपने हाथ से ही वो पानी लिया और डाला, आपने हाथ से ही फिर चाय पत्ती ली और डाली, ये जो चाय पत्ती ली और डाली उसका संबंध जो है वो चाय के चखने के साथ में नहीं है, उसका संबंध है वो किताब में जो पढ़ा था उसके साथ है। क्योंकि जो चखना होता है वहां तो चाय पत्ती डालो पानी डालो ये कुछ होता ही नहीं है। तो जो 4 बजे अनुभूति होने वाली है उस अनुभूति के साथ 3:45 के विचार का संबंध नहीं है। 3:45 को जो विचार चल रहा है वो जो 3 बजे प्रवचन सुना था, कान में वाणी पड़ी थी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ज्ञान प्रदेशी चैतन्य परमात्मा हूं, बस उसी का ही प्रयोग 3:45 पर हो रहा है। जो किताब में पढ़ा था उसके हिसाब से अभी ये पानी, उसके हिसाब से चाय, उसके हिसाब से दूध, उसके हिसाब से ये सब वस्तु डालता रहता है। तो जब उस प्रकार की प्रक्रिया चलती है तो उससे भी समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी व्यक्ति को किताब पढ़ने से चाय का अनुभव नहीं होगा, ऐसे ही किसी व्यक्ति को पानी उबालने से, अंदर चाय डालने से वह अनुभव नहीं होगा चाय का। जैसे 3 बजे वह शांति और सुख को नहीं भोगा है क्योंकि वह सुन रहा था, ऐसे ही 3:45 3:46 पर भी कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि 3:45 3:46 पर जो कुछ भी अभी हो रहा है उसका कनेक्शन तो 3 बजे के साथ है, और आनंद जो है वह 4 बजे है, और 4 बजे जो होता है उसका कनेक्शन उसके पहले के समयों के साथ में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों की जाति अलग हो गई। 4 बजे से पहले वह विकल्प की जाति थी, जड़ की जाति थी, और 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति है। 4 बजे वह जाति अलग है, उसका स्वभाव अलग हो गया। 3:45 3:46 3:47 ये विचार चल रहा था। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यहां पर ये विचार करते करते तृप्त तो हो जाते हैं कल्पना में कि अरे आज जो सुना था वही मैंने किया, जो सुना था वही किया, जो सुना था वही किया, जो सुना था वही किया। मगर तूने जो किताब में पढ़ा था कि पानी डालो चाय डालो, ये जो तूने पढ़ा था वही तूने किया, उसमें संतुष्ट मत हो, क्योंकि असली लक्ष्य तो चाय पीने से था ना, वो बनाने से नहीं था, पीने से था। वो 4 बजे घटित होगा, और 4 बजे घटित होगा वो कैसे हो जाएगा, क्या ऐसी घटना घटेगी कि वह 4 बजे घटित हो जाएगा, जो 45 पर न हुआ 46 पर न हुआ,
तो क्या होगा उसका भी भाव समझो। ये बहुत सूक्ष्म ध्यान के प्रयोग से संबंधित है भगवान। ये दोहा है, लवण पानी में मिल जाता है, ये बात कहीं सुनने को नहीं मिलती। कहते हैं भगवान आत्मा सम्यक दर्शन पालो, सम्यक दर्शन पालो, बस तुम्हारा हित हो जाएगा। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, मगर वह अभेद डुबकी लगती कैसे है? वह ध्यान में जब जाता है तो कैसे जाता है? क्या चिंतन चलता है, क्या प्रयोग चलता है और क्या प्राप्ति होती है, इनके भेद को समझना होगा। और तुम खुद यदि विचार करते होगे तो तुम इन वचनों को प्रयोग करके तुम मानोगे कि हाँ ऐसा हमारे जीवन में हुआ है। कभी कभी तुम चिंतन करने बैठे और चिंतन करते करते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पता न चला। और यही चिंतन की धारा, बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं मुझसे कि पता ही नहीं चलता, जो सत्संग में सुना था वही चिंतन 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 चलता रहा, कितने घंटे तक पता ही नहीं चला। ठीक है, अच्छी बात है, मगर इतना लंबा काल जो लग गया ने वह कलंक है, ऐसा एहसास हो रहा है। ये कलंक है क्योंकि द्रव्य साक्षात है, पर्याय भी साक्षात है, फिर ये आह्लाद स्वरूप आनंद क्यों नहीं आया? ये इतना लंबा काल लग गया तो कहता है कि मेरी चिंतन की धारा इतनी चली। चिंतन की धारा का चलना ये भगवान आत्मा के लिए कलंक है। ओ, कभी सुना है तुमने ये? चिंतन की धारा चलना ये भगवान आत्मा के लिए कलंक है, क्योंकि जहां स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए था वहां चिंतन की धारा, यहां चिंतन 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 की धारा, ये कलंक है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? ये कलंक है। चिंतन की धारा, चिंतन की धारा, चिंतन की धारा, चिंतन की धारा। सामने केला पड़ा है, उसके छिलके के साथ में है, मेरी चिंतन की धारा बिल्कुल चल रही है, केला खाने जैसा है, ये केला श्रेष्ठ है, ये केला श्रेष्ठ है, ये केला श्रेष्ठ है, बस ये जो चिंतन की धारा इतनी चलती है, और तुम कहते हो कि पता ही नहीं चला 3 घंटे तक ये केले का चिंतन चल रहा, ये कलंक है, क्योंकि साक्षात केला था और जीभ तक क्यों नहीं आया? ये चिंतन की धारा ये कलंक है। इसलिए उससे संतुष्ट मत हो, उसके इग्नोर कर दे। कोई चिंतन की धारा कुछ नहीं, एक ही ध्रुव न्यायक की अनुभूति। अभी सत्ता है तो देरी क्यों करना, अभी पर्याय और परिणमन है तो उसके लिए अब ये काल का फासला भी खटकने लगे। अब चिंतन में रस नहीं है, इतना जब तक अहोभाव नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि चिंतन तुम्हें एक स्प्रिंग की तरह, बफर की तरह तुम्हें संतुष्ट कर देते हैं। जैसे ट्रेन में गाड़ी में वो लगे होते हैं बफर लगते हैं कि तुम्हारे वहां पर बम्प आए, कोई पत्थर आ जाए तो तुम्हें झटका नहीं लगेगा। तो जब भी तुम्हारे जीवन में पाप होगा तुम तत्व का चिंतन करोगे, वो चिंतन ऐसा ही है, वो स्प्रिंग की तरह है, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचने देता कि मैं न्यायक हूं, ये घर मेरा नहीं, बस। मगर वो समाधान नहीं है, तुम घायल तो हो ही रहे हो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, उसका परिणाम तो ऐसा होना चाहिए। तुम कहोगे इतनी छलांग कैसे लगा दे, आज तक किसी ने पाया वो चिंतन से ही पाया ने? आज तक किसी ने चिंतन करके पाया नहीं है, आज तक जिसने पाया है उसने चिंतन से ऊब करके पाया है। यदि तेरा स्वयं का अनुभव ये कहता है वही समझ पाएगा ये ध्यान की गहराई है। चिंतन की गहराई में तो हाथ में कुछ भी नहीं आता, चिंतन की गहराई में हाथ में कुछ भी नहीं आता,
चिंतन की गहराई में जाओगे तो चित्त ही मिलेगा, क्योंकि चित्त से ही चिंतन शब्द बना है और हमें चित्त से ऊपर उठना है। चित्त से ऊपर उठना है, एक है चित्त और एक है चित्त। त के नीचे हलंत होता है ना, वो चित है, और त आधा और एक त पूरा, चित्त। तो वो चित्त जो है उसका नाम तो मन है, और चित इसका नाम चैतन्य है। इसलिए भगवान आत्मा में चित ही शक्ति है, भगवान आत्मा चित चमत्कार मात्र है। वो चित का मतलब ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। नुकसान क्या हो गया, नुकसान क्या हो गया, यदि चिंतन किया तो नुकसान क्या हो गया, नुकसान ये हो गया, कुछ लूटा तो नहीं ने, कुछ छूटा तो नहीं ने। एक लड़का अपने पास में 5 लाख रुपए लेकर के अमेरिका गया, 5 साल तक वहां पर रहा, कमाने के लिए गया था, 5 लाख रुपए लेकर के वापिस लौटा, 5 साल के बाद में 5 लाख लेकर के लौटा। सब गांव वालों ने, घर वालों ने, सबने कहा कि तू अमेरिका गया था कमाने के लिए, कुछ कमा करके लेके आया या नहीं। बोले ना, कुछ लेके नहीं आया, कमा नहीं पाया, मगर कुछ गवाया भी नहीं है। 5 लाख लेकर गया था और 5 लाख लेकर के वापिस आया हूं, नुकसान भी तो कहां हुआ है। सभी ने कहा नुकसान हुआ है, जो जीवन के जो 5 वर्ष तूने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, ये नुकसान नहीं लगता, ये बड़ा नुकसान है जो वापिस नहीं आने वाले। तो 5 लाख लेके गया था, 5 लाख तो वापिस आ गए, मगर उस नुकसान का क्या, जो वापिस अब नहीं आ सकता। जब तू तत्व विचार और चिंतन करता है तो कहता है कि नुकसान भी तो क्या हुआ, चिंतन करके नुकसान ये हुआ कि जिस समय आह्लाद स्वरूप आनंद का भोग हो सकता था, उस समय वो चिंतन में गवा दिया, वह भी नुकसान है। फिर मैं यहां आपके सामने क्यों बैठा हूं, फिर मैं वहां ध्यान में क्यों नहीं चला गया, इतना भी समय मेरा क्यों बर्बाद कर रहा हूं, ये भी तो समय की बर्बादी है, ये भी तो हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, न वितराग परिणति की कमाई हो रही है और समय बर्बाद हो रहा है, फिर ये मैं क्यों कर रहा हूं, फिर ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये भाव ही तो संसार है। वहां से ही तो ध्यान में जब कोई जीव जाता है तो तभी जाता है जब वो परिणाम से बिल्कुल ही उठ जाता हो। मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी अभी है, इसलिए ये सब कहने का भाव आता है, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। एक बात याद रहे, न्यायक देव उसे कहते हैं जिसका पुरुषार्थ कभी होता ही नहीं। फिर से दोहरा दू, तुम्हें लगे कि कहीं भूल से बोल दिया होगा, तो न्यायक देव उसे कहते हैं जिसका पुरुषार्थ कभी होता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि पुरुषार्थ तो पर्याय में होता है और न्यायक पर्याय में होता ही नहीं है। सत्ता में पुरुषार्थ कैसा, मैं सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, ये सत्ता मात्र पर जोर दो। ढूंढने पर भी पता नहीं चलता कि कहां चला गया वह भगवान आत्मा, अंतर में डुबकी लगी कि अरे उसका तो पता ही नहीं। ध्यान इसी का नाम है, ध्यान इसी का नाम है। लवण पानी में मिल गया, अभेद हो गया, पानी में मिलते ही वह परिणमित हो गया, उसको परिणमित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक
पिघल गए। ऐसे ही पर्याय जब ध्रुव में एकत्व करती है, ध्रुव में ढलती है, तो पर्याय ही उस रूप में परिणमित हो जाती है। ध्रुव 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 मई परिणमित हो जाती है। यही 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 परिणमित हो जाती है। और उस वजह से ही जब तक परिणमन न हो ने, तब तक स्व संवेदन नहीं हो सकता। फिर से सुनो, जब तक परिणमन नहीं होता है, तब तक स्व संवेदन नहीं होता। परिणमित होने का भाव यह है, वेदन संवेदन पूरी तरह से फैल जाए तब हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। पूरी तरह से फैल जाए इसका मतलब समझे, करंट का झटका जो लगा ने तो पूरे शरीर में, ऐसा नहीं कि उंगली में मुझे कुछ हुआ। पूरे शरीर में जैसे झटका लगा, तुम ये नहीं कहते कि हंसते हो कि देख ये उंगली को करंट का झटका लग गया। आंख को लगा नहीं, गाल को लगा नहीं, हास्य प्रफुल्लित तो हो रहा है, तो ये जो ये क्रिया, मगर उस समय उंगली में करंट नहीं लगा, वो पूरे शरीर में फैल गया है। जब तक पूरे में व्याप्त न हो जाए, तब तक वेदन नहीं होता। ऐसे ही जब तक पर्याय द्रव्य में पूरी तरह से ऐसे प्रसर नहीं जाती, तब तक वहां पर्याय में वेदन नहीं होता। और जो विकल्प चलता है, विकल्प के काल में भगवान हे चैतन्य परमात्मा ऐसा जो स्वरूप है, उस काल में तो उस काल में बस 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 यही तो है, ये ज्ञान की गहराई है। गहराई सागर कितना गहरा है ये नापने के लिए नमक के पुतले को सागर में डाला कि जा गहराई को नाप करके आ, वो पुतला गया और बाहर बाहर ही नहीं आया। दूसरे को डाला, दूसरा भी वहां गया और बाहर नहीं आया। ऐसा ही है, जो गहराई में जाता है वो फिर बाहर नहीं आता, क्योंकि वो उस समय वो परिणमित हो गया है। समझना हो। पंडित बकवास करते हैं, ज्ञानी चुप रहते हैं। समझ में आ रहा है? पंडित बकवास करते हैं, ज्ञानी चुप रहते हैं। जो अंदर में ढली ने पर्याय, वो बकवास नहीं करती। क्यों नहीं करती बकवास? बकवास करने के लिए जीना जरूरी है, बकवास करने के लिए होना जरूरी है। और पर्याय वो बकवास इसलिए नहीं करती क्योंकि वो तो पूरी तरह से परिणमित हो गई है। और नमक का पुतला अब सब्जी में नहीं जाएगा, नमक का पुतला अब दाल में नहीं जाएगा, क्योंकि नमक का पुतला अभी सागर में समा गया है। ऐसे ही जो ध्यान आत्मा में समा जाता है, फिर कोई यहां चींटी काटे तो वहां तक जाता नहीं है ध्यान, क्योंकि वह ध्यान तो ऑलरेडी एंगेज हो गया है, स्प्रेड हो गया है। आज तू कम से कम इसे सुन ले, आज सुन ले खाली, बस और ज्यादा कुछ नहीं कहता। जिससे इतना तो पक्का हो जाए, मैंने आप ज्ञान दीपकों को वादा किया है ना कि आप सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी होगी और होगी, ये मेरा वादा है। मगर आज ही किसी ने कहा कि यदि नहीं हुई तो, हो सकता है नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो मैंने उसको इतना कहा कि नहीं हो तो नहीं हो, मगर इतना पक्का है कोई माई का लाल तेरे को ठग नहीं सकता। आत्मानुभूति के नाम पर, अभेद निर्विकल्प होने के नाम पर, ध्यान में लीन होने के नाम पर, सम्यक दर्शन के नाम पर, मुनि धर्म के नाम पर, तो इतना तो परिपक्व हो जाएगा। क्योंकि ये जब तू सूक्ष्म स्वरूप, अभी तेरे को बुद्धि के स्तर से समझ में आ रहा है,
जो तू अभी सुन रहा है तेरी समझ में आ रहा है कि जो नमक का पुतला पानी के अंदर जब घुल मिल जाता है तब वो सब्जी में नहीं जाता, और जो सब्जी में चला गया है नमक, उस नमक को तुम कहते हो, जो सब्जी में चला गया है उस नमक को तुम कहते हो कि सागर की गहराई नापो ने, वो कहां जाएगा? ये हालत ऐसी है, जब हमारा चिंतन चलता है तो वो चिंतन का संबंध वाणी के साथ में है। 3:45 को जो चिंतन चल रहा है उसका कनेक्शन 3 बजे के साथ में है। तुम्हारा जो नमक है वो सब्जी में जा रहा है, बाहर जा रहा है, वाणी में जा रहा है। वाणी माने बाहर, और अंदर नहीं ढल पा रहा है। मगर यहां आनंद इस बात का है कि यहां नमक की एक डली नहीं है। एक डली यदि सब्जी में चली गई होती और मामला खत्म हो गया होता तो गड़बड़ हो जाती। यहां तो प्रति समय नई नई डली निकलती है कि पुरानी डली सब्जी में गई तो गई, अब नई डली जो है उसे सागर में डाल। पुराना उपयोग है वह उपयोग पर में गया, वाणी में गया, गया तो गया, अब उसका हिसाब मत कर। अब भी तेरा काम हो सकता है और हो गया तेरा काम। कितना सूक्ष्म भाव है ये, कौन समझे इस सूक्ष्म भाव को। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो नीचे आत्म है, समय सार का कलश है ये ज्ञान 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 ज्ञान। इतना तो पक्का है कहीं ना कहीं तो ढलेगी, इतना तो पक्का है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पिघलती है ना, पर्याय परिणमित होती है ना। ये जो आइसक्रीम है तो खाएगा तो भी पिघलेगी, नहीं खाएगा तो भी पिघलेगी। अब नहीं खाएगा तो कपड़े के ऊपर गिरेगी, जमीन के ऊपर गिरेगी। अब जब पिघल करके गिरने ही वाली है तो मुंह में डालना है। वो नमक की डली वो पिघलने ही वाली है, ये उपयोग जो है वो उपयोग परिणमित होने ही वाला है। जब परिणमित होने ही वाला है तो फिर अंदर में परिणमित क्यों ना हो। और आज तक जिनको आइसक्रीम कपड़े के ऊपर गई होती है ना, वो हमेशा यही विचार करते कपड़े की धुलाई कैसे करना, क्योंकि वो ही उनका अनुभव है। इसलिए जिनकी परिणति वो पर में ही ढली है वो यही प्रवचन देंगे, कर्म का नाश कैसे करना, कर्म के मैल को कैसे धोना। यहां कहते हैं कि आइसक्रीम जब मुंह में गई है तो कपड़े गंदे होंगे ही नहीं, धोने की जरूरत क्या है। जो उपयोग अंदर में परिणमित हो गया है तो फिर पर्याय में मलिनता आएगी कहां से। वो उपयोग ऐसा अंदर में भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा का ये स्वरूप है भगवान। ये कितना सूक्ष्म स्वरूप है, ये तो आनंद की बात है। ये बातें सिर्फ यहां पर ही हो सकती है भारत देश में, ये बाहर नहीं हो सकती। बाहर के देश में तो बोलना हो तो धीरे धीरे बोलना पड़ता है कमरे में। कहते ना पहले के जमाने में दीवारों को भी कान होते, तो मैं प्रवचन होटल के कमरे में से देता तो दीवार को कान होते, पास वाले कमरे वाले सुनते, और कान ही नहीं होते उनको डिस्टर्ब होता तो फिर बोलते भी, दीवार को मुंह भी होता। ये बात ऐसी है जो समझ जाए वह तो दीवाना हो जाए, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है भगवान। यही तो है कि ऊपर जीवन में अपने जीवन के अनुभव के अतिरिक्त और हम कुछ सोच ही नहीं सकते। वो उसी तरह है एक आदमी जैसे जहाज में बैठा हो और कैप्टन को जाके पूछता है पेट्रोल तो भरा है ना, ब्रेक तो लगती है ना, अरे भाई सब ठीक है तू सीट पे जाके बैठ जा, लाइसेंस तो है ना, अरे सब है तू जाके बैठ जा, कितना कितना पूछता रहता है।
कैप्टन ने कहा तू जा तेरी सीट के ऊपर जाके बैठ जा। बोले नहीं, ये सब पहले से पूछ लेना अच्छा है, कहीं जहाज बीच में बंद हो गया और आपने कहा धक्का लगाओ तो। क्योंकि आज तक वह आदमी धक्का गाड़ी में ही बैठा था, जहाज में पहली बार बैठा, जिसका अनुभव है वही विचार करेगा ना। हम वही विचार करते हैं जिसका हमें अनुभव है। और ज्ञानी को अनुभव है कि आइसक्रीम मुंह में गई है, वो पच गई है, इसलिए वितराग परिणति तब प्रकट होती है, उपयोग का पक जाना। इसलिए आपने सुना ना, परिणति जब पक जाती है, वितराग परिणति के पके बिना पेड़ से अलग नहीं होना, माने फल के पके बिना पेड़ से अलग न होना, दीक्षा न लेना, इसका नाम है। पहले पक जाए, जब अंतर्मुख ऐसा ध्यान अंतर में चला जाए तब जाकर के ये दशा आ सकती है। मुनिवर राम सिंह के वचनों को फिर से पढ़ते हैं, देखो जैसे लवण पानी में विलीन हो जाता है, वैसे चित्त चैतन्य में विलीन होने पर जीव समरसी हो जाता है। उसका दोनों का भेद समझना अब मुश्किल हो गया, अब समझ में नहीं आता, समरसी हो जाता है। एक तो अंदर का रस और एक बाहर का, और उसी में ही अनुभव होता रहता है। एक भीतर और एक बाहर, और दोनों का रस, वह जो भीतर में जो रस है वह रस, और बाहर का रस द्रव्य और पर्याय का इसी प्रकार का अभेद रूप है। द्रव्य और पर्याय का अभेद भाव इसी प्रकार का है। देखो जब ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब जानने में आता है तब ऐसा ही होता है। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब जानने में आता है परिणमित हो जाता है, समरसी हो जाता है। समरसी का मतलब पता चला, रसगुल्ला है, रसगुल्ला में रस होता है और एक दूसरा रस होता है जो हमारी जीभ पर तैयार होता है। कहते हैं रसगुल्ला बना है, ये सुनते ही जीभ पर पानी आ गया। तो जीभ पर भी एक रस होता है, एक रस बाहर का रस है, एक रस यहां पर जीभ पर रस है। और जीभ पर यदि रस न हो और जीभ रसगुल्ला जीभ पर आ जाए तो कुछ मजा नहीं आएगा। जैसे प्लास्टिक के ऊपर तुम रसगुल्ला रखो, जैसे थाली के ऊपर रसगुल्ला रखो, थाली को कोई आनंद नहीं आता। वो जो मजा है, वो असली मजा, वो जीभ पर पानी आया है उसका मजा है। वो जीभ पर पानी आया यहां का, तो जहां पर अनुभव होता है वहीं का ही वेदन होता है, आनंद उसका है। रसगुल्ला वहां तो है मगर असली आनंद यहां का है। भगवान आत्मा तो अनादि काल से था ना, आनंद क्यों नहीं आया था? शुद्ध आनंद चैतन्य की मूर्ति तो अनादि काल से थी ने, कुत्ते बिल्ली में भी भगवान आत्मा शुद्ध था ने, आनंद क्यों नहीं आया? रसगुल्ला तो 2 घंटे से पड़ा हुआ था, आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि जीभ पर वह पानी आए और रसगुल्ले के साथ में अभेद समरसी होने पर वहां आनंद आता है। ये समरसी का भाव है, समरसी हो जाता है ध्यान के काल में, वह समरसी हो जाता है। और फर्क पड़ता है, एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाया, फिर वह भाव नहीं आता, फिर वहां जीभ पर ऐसा पानी नहीं आएगा जैसे पहली बार अभी तो खाना तैयार हुआ हो और अभी एक भी रसगुल्ला नहीं खाया हो तब जो जीभ पर पानी आता है। और वास्तव में आता है, कभी कभी आपने ये अनुभव किया पानी छूटता भी है। वह जो यहां यहां पर ऐसा कुछ नहीं है मगर भावों से पानी छूटता है, क्योंकि वह जो वासना है चखने की वो तैयार करता है पानी। रसगुल्ला सामने है, परिणमन यहां होता है, परिणमन यहां होता है। वस्तु सामने है, पलटना, परिणमन होना, परिणमन होना यहां हो रहा है। ऐसे ही समझो, सामने वस्तु का होना और परिणमन का यहां होना,
दृश्य सामने है और आंख में से आंसू टपकते हैं, आंसू यहां है। कोई घटना ऐसी घटी, किसी की मृत्यु हो गई। अब आंख में तो किसी की मृत्यु हुई नहीं ने, आंख ने तो मात्र देखा कि रास्ते पर कोई आकर के कट करके मर गया, अकस्मात हो गया, रेलगाड़ी के नीचे आ गया। मगर यहां से आंसू क्यों टपकने लगे, यहां परिणमन होने लगा। हमारे ऐसा होता है, सामने कोई वस्तु ऐसी हो कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा परिणमन होने लगे। और ऐसे ही जब सामने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है तो पर्याय में ऐसा परिणमन होता है और वह समरसी होता है, अभेद होता है, जीभ का पानी और रसगुल्ले का पानी। और फिर ढूंढने जाओगे ना तो पता नहीं चलेगा कौन सा रसगुल्ले का था और कौन सा जीभ का पानी था। एक रस होने के बाद में, जीभ पर आने के बाद में पता नहीं चलता। और उस समय विकल्प आता है, तुम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो कि जीभ पर जब वो रसगुल्ला आया तो वो मीठा रस, और जीभ पर पहले से जो पानी आ गया था उसका रस कौन कौन सा है, कितना है, क्या है, कोई हिसाब करते हो कि सिर्फ भोग होता है उस समय, तो बस आनंद का भोग होता है। ऐसे ही पर्याय में जब द्रव्य आता है तब पर्याय में जो अनुभव होता है उस समय ये विकल्प नहीं आता कि कौन सी पर्याय और कौन सा द्रव्य, वहां अभेद अनुभूति मात्र, इसलिए अनुभूति मात्र रह जाती है। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों मर जाते हैं। फिर से कहूं, अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों मर जाते हैं, सिर्फ अनुभूति रह जाती है। वो जो स्थिति है, कमरे में सोने वाला व्यक्ति, तो सोने वाला और कमरा ये दोनों, जब वो सो गया तब सोने वाला है और कमरे में सोने वाला है नहीं, वहां एक स्थिति है, नींद है। सोने वाला नहीं है, सोना मात्र है बस। सोने वाला, सोने वाला, कमरे में सोने वाला, ये सब तो जंजाल है, ये विकल्प है। उस समय उसे कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ सोना मात्र है। अनुभूति उसका नाम है, जहां अनुभूति करने वाला और अनुभव में आने वाला ये भाव ही नहीं रहता, सिर्फ अनुभूति रह जाती है। इस अनुभूति के लिए ये दोहा है, चैतन्य में विलीन होने पर जीव समरसी हो जाता है। समाधि में इसके सिवाय और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना है। समाधि में इसके अतिरिक्त मुझे करना क्या है? जब तक करने का भाव है तब तक समाधि घटती ही नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी मैं ध्यान में बैठा हूं, अभी कोई डिस्टर्ब मत करना, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, डिस्टर्ब मत करो, मेरा ध्यान भंग हो जाता है। जब बहुत भूख लगी हो, जीभ पर पानी आ गया हो, सामने रसगुल्ला हो, और उस समय कोई ढोल नगारे बजाता हो, तुम उसको कहोगे ढोल नगारे मत बजाओ, मेरा रस है ना यहां पर थोड़ा कम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खास ये है कि रस तुम्हारा है, रस तुम्हारा है, तो वो ढोल नगारे क्या करेंगे। मैं तुमसे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये प्रेरणा देना चाहता हूं, हे चैतन्य परमात्मा, कि अंतर में तेरा रस इतना हो कि दुनिया की कोई वस्तु नहीं, तो वो इतनी छोटी घटना, वो तेरा, वो तेरे से ऊंचा हो गया ना, वो ढोल नगारा तेरा गुरु बन गया।
तू ढोल नगारे का गुलाम बन गया, वो तेरा मालिक बन गया, ढोल नगारा मालिक है तेरा। तू भले बोलता है कि अरियन भगवान आप ही महान हो और आप मेरे मालिक हो, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक नहीं, किसी का मालिक अरियन, किसी का मालिक ढोल नगारा। इसलिए तू इतना ढीला मत हो जा दुनिया में कहीं पर भी। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं, वास्तव में तो बोलने के लिए कहता हूं, दुनिया में साउथ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, कैरेबियन आइलैंड हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही मैं चांद को देख रहा था, पेरिस से देख रहा था, 3 दिन पहले मैं देख रहा था साउथ अमेरिका से, उरुग्वे से देख रहा था, जिस चांद को वहां से देख रहा था उस चांद को मैं आज देख यहां से देख रहा हूं। नीचे देखो तो मुझे भारत दिखता है, उरुग्वे दिखता है, ऊपर देखो तो चांद दिखता है। इसलिए दृष्टि यदि ज्ञायक पर हो तो ये पृथ्वी नहीं दिखाई देती, चांद दिखाई देता है। चांद अर्थात चैतन्य चांद, पृथ्वी अर्थात ये देह की पृथ्वी, 5 इंद्रियों की पृथ्वी। करना ये प्रयोग आज रात्रि में, अभी मैं ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि आज चतुर्दशी के चांद का दिन है। बहुत दिन से हमने रात्रि ध्यान प्रयोग नहीं किया। आपकी इच्छा है, कितने की इच्छा है, आधे लोग भी यदि तैयार हुए तो ठीक है, आधे तो नहीं है, 2-4 को छोड़कर के बाकी सब है। और जो 2-4 अभी तैयार नहीं हो रहे वो जिंदगी में कभी नहीं होंगे, वो भी पता है। इसलिए आज अपन 10 बजे रखेंगे ध्यान से, रात्रि ध्यान प्रयोग रखेंगे। और अभी मुझे ज्ञान दीपकों के लिए, सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए, वह भी अपना दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग जो अपन रखते हैं ना, वो भी अभी अपन शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जितना समय अपने को मिलेगा पूरा का पूरा अपन उपयोग करेंगे। बहुत लंबा टाइम बीत चुका जहां अपना ज्यादा सत्संग नहीं हो पाया है, और इसी वजह से बस ज्यादा से ज्यादा ये एक ही है चैतन्य की पुकार, जिसमें कितना भी रिपीटेशन हो, कितना भी चिंतन हो, कम ही लगता है। 1 घंटे ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्टर अभी चालू हुआ था, रेस्टोरेंट में जाते नहीं तो स्टार्टर है, अभी असली बात तो आई नहीं है। असली बात तो अभी रात्रि ध्यान प्रयोग में आएगी, और डेजर्ट आएगा सुबह। ये चलता रहेगा, ये नशा है। जो भाव से मैं आपको कहना चाहता हूं उस भाव को समझना, बस आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह से मैंने आज आपको उपयोग का अंदर में ढलना, ध्यान में ढलना, ये कोई एकाध बिरला समझने वाला, बाकी तो समझने वाले नहीं नहीं है, सच कहता हूं नहीं है। मैं आपको रोज बोलता था ना, 24 दिन से मैंने एप्पल और चीकू और बनाना के अलावा कुछ नहीं खाया, और ये ज्ञान दीपक आज दोपहर में आए, चीकू लेकर के आए, उनको क्या कहूं मैं, आप बताओ। वो एप्पल लेके आए, बोले एप्पल का जूस बहुत अच्छा बनाया है, कोई चीकू लेकर के आया, ताजे ताजे चीकू है, इनका क्या करना चाहिए, इनको ज्ञान दीपक से निकाल देना चाहिए लगता है ऐसा। इतने इतने दिनों से सुन रहे हैं कि रोज 3 टाइम 4 टाइम ऐसे देश में कहीं पर भी एक एप्पल, एबीसी के अलावा, एप्पल बनाना और चीकू, एबीसी के अलावा कुछ खाया नहीं, और कभी कभी खाया तो चलो ड्राई फ्रूट्स खा लिया। बोले कि ये तो खाली जूस नहीं है, जूस में ड्राई फ्रूट भी मिलाया। इसलिए मुझे समझने वाले किसी से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग खांड भी बना के लाए थे, कुछ लोग
पकोड़ा बना के लाए थे। माने कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, सब अलग अलग प्रकार के, इस बगिया में अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं। मगर अभी बहुत बहुत आनंदित हूं इतने दिनों के बाद में भारत की इस भूमि पर आकर के, और आप परमात्माओं से बहुत विरह खटक रहा था। अभी भी दूरी तो है, मगर फिर भी एहसास हो रहा है कि अपन बहुत नजदीक आ गए हैं। आज और कल 2 दिन के लिए मुंबई में हूं, परसों दोपहर में गजपंथा के लिए निकलूंगा, और गजपंथा में जिसको भी फिर आना हो, मैं, मेरे लाडले, ये सब गजपंथा में जाकर स्पेशल साधना प्रयोग करने वाले हैं। और जो अभी प्रयोग की बात मैंने आपको कही है, वो स्पेशल प्रयोग के लिए हम गजपंथा जाने वाले हैं। तो जिनको आने की भावना हो बताना, और मुंबई में जो रहते हैं, मुंबई आना चाहते हो, किसी को कुछ मिलना हो, तो भी कल का दिन है, आप इनको कांटेक्ट करके आप बता देना। अभी अपन 10 बजे मिलेंगे रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए। प्रयोग करते करते फिर सीधा सो जाना है, इसलिए घर वालों से जो भी बात करनी हो, जो भी कम्युनिकेशन करना हो, सब कर लेना। उसके बाद में बेड से ना उठना है, ना किससे कोई चर्चा करना है, वह ध्यान प्रयोग करते करते ही फिर सो जाना है, और सुबह फिर उठना है। और रात्रि में पूरी रात भर आपको जो विचार चलेंगे, तो उसी प्रकार के चलेंगे जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो मिलते हैं 10 बजे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो जिनकी दशा वरते देहा।